हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। और गाइस, जैसे कि आपको बोला था कि नवरात्रि स्पेशल हम लोग वीडियो डालेंगे, सो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं सुरकंडा मंदिर और अजय जी के साथ और माता के साथ। तो अब बात करते हैं अजय जी से। तो अजय जी, आपका स्वागत है वीडियो में। जय माता दी आप सभी को। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह आप सभी को। माँ भगवती आपके घर में अन्न में धन में व्यापार में वृद्धि करें और सद्भावना की वृद्धि दे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, मैंने इंस्टाग्राम इत्यादि सभी जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र हैं इनमें बताया कि माँ भगवती सुरकंडा देवडोली जो है अपने निवास स्थान सुरकंडा पर्वत सुरकंडा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है, जहाँ कल के दिन जो है भंडारे का आयोजन रखा गया है। रात्रि पूजन इत्यादि, भजन इत्यादि, भजन संध्या इत्यादि जैसे कार्यक्रम वहाँ पे हमने रखे हुए हैं। कीर्तन मंडली द्वारा कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप सब जितने भी भक्तगण हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी आकर माँ भगवती का आशीष प्रदान करें और जन्म जन्मांतर तक ये कृत्य जो पाप कृत्य हों उनसे विमुक्त हो जाएं, बस यही कामना मैं माँ भगवती के श्री चरणों से करता हूँ। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष देता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें और परिवारजन सज्जन अपने परिवार व समस्त परिवार की आप जो हैं रक्षा कर सकें और समस्त परिवार अन्न धन व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में उनकी वृद्धि हो। बहुत बहुत साधुवाद, जय माता दी, ओम शक्ति, ओम शिव शक्ति। और अजय जी, एक क्वेश्चन और लोग पूछ रहे थे कि मतलब सुरकंडा माता किस चीज़ का स्वरूप है, मतलब एक कंफर्म एक जो होता है ना वर्णन। आपने दस महाविद्या में छिन्न मस्तक का रूप सुना होगा। तो माँ सती का अवतार जब हुआ, अवतार होने के बाद जब उनको शिव जी अपने गोद में ले जा रहे थे, तो विष्णु जी के चक्र से जो सर गिरा, आपने छिन्न मस्तका के रूप में उनको मान सकते हैं। तो जहाँ पे सिर गिरा, सती जी का सर गिरा, वही माँ सुरकंडा रूप कहलाया है। तो माँ भगवती का शीश वहाँ पे है, तो इसलिए माँ भगवती। और इसके साथ अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि वह इंद्र के तपस्थली भी है, इंद्रासन की तपस्थली भी है और इंद्र की तपस्थली भी है। तो इंद्र के तपस्थली होने के कारण उसे सुरकुट पर्वत इत्यादि ही इंद्रासन की तपस्थली का भी नाम दिया गया है। इंद्र जहाँ इंद्र ने अपना जो है तपस्या करके अपने स्वर्ग को बचाया था, वो माँ सुरकंडा थी जो दिव्य रूप में उत्पन्न होकर और स्वर्ग को राक्षस से मुक्त करके और उसके बाद स्वर्ग का प्राप्ति जो है इंद्र को किया था। सो गाइस, जैसे कि आपने सुना है अजय भाई से, तो अब हम प्रॉपर सुरकंडा का व्यू और जितने भी हमारे साथ लोग जाएंगे भक्तजन, उनके साथ जाएंगे। आपको सीधा माता के दर्शन करवाता हूँ।
गाइस हम सब निकल गए हैं चामुंडा धाम के लिए। जय चामुंडा, जय चामुंडा, जय चामुंडा, जय सुरकंडा, बोल विद्या पावनी सुरकंडा देव धनी की, बोल विद्या पावनी सुरकंडा देव धनी की, महामाया हंस स्वरूपिणी की, बोल सुरकंडा सुरी की, बोल कष्टारिणी सुरकंडा देव धनी की, मस्त बल्लार की, उनके बाल गोपाल की, उनके बाल गोपाल की, उनके नंदलाल की, उनके नंदलाल की, उनके पितृ। और भी यहाँ पे भी होगा सो कुछ इस तरीके से है हमारी कार। सो गाइस बहुत सारे लोग और ये हमारी कुछ कार है इस तरीके की, और ये माता सजी हुई है। सो ये है भद्रकाली मंदिर, और फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और ये भद्रकाली डोली, जय। एक विशेषता है। और दूसरी बात, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, हर मोड़ पे एक छोटा ना छोटा मंदिर जहाँ पे बना हुआ हो, ये देव संस्कृति उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ हर मोड़ों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर बने हुए, किसी के रथी देवता मंदिर और पितृ देवता मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागराज मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर इत्यादि, अन्यादि क्षेत्रपाल इत्यादि मंदिर जो है यहाँ पर निर्मित हुए हैं छोटे छोटे मंदिरों का। तो ये देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी। ये हमारी छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली जो भी है, बड़ी बिल्ली हाँ बड़ी भारतीय, इसको देखो होगा ये माँ अपने निवास स्थान जहाँ से माँ प्रकट हुई, जहाँ से माँ
का स्थान जो मूल स्थान है जहाँ से माँ की शक्ति आरंभ है, मतलब कहते हैं ना आरंभ और अंत में बहुत अंतर होता है, तो जहाँ से आरंभ शक्ति है उस आरंभ शक्ति का स्रोत जो है सुरकंडा मंदिर है। तो इस वीडियो को 4 गुना प्रेम दीजिएगा, बस यही आपसे आशा करता हूँ। जैसे कि पहले वीडियो में अजीत जी ने भी कहा था कि जितना कमेंट करोगे और जितना लाइक करोगे उतना मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे मंदिरों का। और ये होएगा 3rd मंदिर का ब्लॉग और फर्स्ट ब्लॉग डिलीट हो गया था किसी चीज़ की वजह से। सो आज आपने बहुत टाइम से कमेंट भी करा था कि सुरकंडा मंदिर का ब्लॉग डालो, तो आपको कोई भी विश पूरी हो गई और जब आपने इतनी रिक्वेस्ट करी है तो प्यार भी देना उतना ये गाइस। सो एंजॉय करो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। है कद्दूखाल और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। और अब कुछ ही टाइम में हम मतलब माता के पास पहुँचने वाले हैं जय। और ये है नीचे से माता का रास्ता जाने का पैदल रास्ता, ये है जाएंगे पैदल रास्ता और वो जो टॉप पे दिखेगा आपको दिख रहा है वो है मंदिर। जतिन भाई ये माता से मिलने के लिए दिल्ली से आए हैं यहाँ पे स्पेशली, और इनकी पूरी टीम आ रही है। अरे मैं कैसे करूँगा।